गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप अपनी SST की बुक निकालें, क्लास सेकंड ये वाली बुक निकालें SST की। आप आ जाए पेज नंबर 42, लेसन टुडे वी विल रीड लेसन 8, प्लेसेस इन द नेबरहुड। द एरिया अराउंड आर हाउस इज कॉल्ड योर नेबरहुड। जो आपके घर के आसपास जो एरिया होता है ना, वो आपका क्या होता है, पड़ोस होता है। द पीपल वो लाइव इन द नेबरहुड आर कॉल्ड नेबर्स। नेबर्स हेल्प इच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड। आपके जो पड़ोस होता है ना, वहाँ आपके पड़ोस में जो आपके जहाँ आप रहते हो वहाँ आपका जो पड़ोस होता है, वो पड़ोस में जो आपके आपके मकान के पास जो होता है वो क्या होता है, आपका पड़ोसी होता है। पड़ोसी एक दूसरे की क्या करते हैं, टाइम आने पर उनकी ज़रूरत होने पर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे की। वॉट वुड इट बी लाइफ वी लाइक इफ़ वी हैड टू गो टू अ फार ऑफ एरिया टू गेट मिल्क ब्रेड एंड एग एवरी डे, और इफ वी हैड टू गो टू अ डॉक्टर वो लाइव्ड वेरी फेयर एवरी टाइम वी फील इल। आप सोचो, अगर आपको हर रोज़ अब अपने एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में जाके आपको रोज़ दूध लाना पड़े, ब्रेड लाना पड़े, एग लाना पड़े, ये सभी चीज़ें आपको दूसरे एरिया में दूर जाके रोज़ लानी पड़े, और आपको अगर आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के लिए भी आपको बहुत दूर जाना पड़े, तो आपको मतलब आप सोचो ऐसा हो तो क्या होगा। अ गुड नेबरहुड हैज़ प्लेस दैट मेक इट इजर फॉर द पीपल वो लाइव इन टू लीड अ कम्फर्टेबल लाइफ। और अच्छा पड़ोस हो, अच्छे पड़ोस के लिए और एक आरामदायक ज़िंदगी जीने के लिए हमें क्या करना होगा। लेट्स अस रीड अबाउट द प्लेस इन योर आर नेबरहुड। और हमें अपने पड़ोस में ऐसे क्या प्लेस, ऐसे क्या जगहें बनानी होगी जिससे हमें हमारी आरामदायक ज़िंदगी हो। मार्केट, अ मार्केट हैज़ मैनी शॉप्स दैट सेल गुड्स। एवरी नेबरहुड नीड्स अ मार्केट प्लेस वेयर पीपल कैन गेट थिंग्स ऑफ डेली यूज़। और जो मार्केट में जो शॉप होती है ना, वो शॉप का होना बहुत अच्छी होती है ना। मार्केट में जो शॉप्स होती है वो बहुत अच्छी होती है, और ये हमारे पड़ोस में मार्केट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेली यूज़ में हमारी जो हमारी ज़रूरतें होती हैं वो पूरी करती हैं। सम ऑफ द शॉप दैट वी कैन फाइंड इन आर नेबरहुड मार्केट आर। और हमारे पड़ोस में मार्केट में कौन कौन सी शॉप होनी चाहिए ये हम पढ़ेंगे। अ ग्रोसरी शॉप वी गेट फाउंड फूड आइटम्स एंड आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज हेयर। हमें ग्रोसरी शॉप में हमें पता है क्या क्या मिलता है, ग्रोसरी शॉप में हमें डेली यूज़ के सामान मिलते हैं, है ना। मतलब ग्रोसरी शॉप में हमें क्या मिलता है, दाल चावल और जो भी डेली यूज़ में जो हमारे खाने के आइटम्स जो काम में आते हैं वो मिलते हैं। आ केमिस्ट्री शॉप वी गेट मेडिसिन हेयर। यहाँ हमें केमिस्ट्री शॉप में हमें क्या मिलता है, मेडिसिन मिलती है। आ स्टेशनरी शॉप वी गेट स्टेशनरी सच अस नोटबुक्स पेंसिल्स पेंस एंड इरेजर हेयर। स्टेशनरी शॉप में हमें क्या मिलता है, नोटबुक पेन पेंसिल इरेजर, ये सभी हमें स्टेशनरी वाली शॉप में मिलता है। आ ग्रीन ग्रोसर वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हेयर। हमें ग्रीन ग्रोसर मतलब हमें सब्जी वाले की दुकान पे क्या मिलता है, हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। अब मिल्क बूथ वी गेट मिल्क ब्रेड एंड एग्स। हमें मिल्क बूथ पे क्या मिलता है, ब्रेड मिल्क और एग्स, ठीक है। ये सब शॉप्स होती है ना मार्केट के अंदर, ये सभी सामान हमें मिल जाता है। पार्क वी गो टू अ पार्क टू प्ले। अ पार्क हैज़ लॉस्ट ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स एंड मैनी स्विंग्स एंड शीशा। हम पार्क में क्या करने जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं। पार्क में क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, झूला होता है और शीशा होता है। वी गेट फ्रेश एयर वैन वी गो टू द पार्क। और पार्क में हमें क्या मिलती है,
फ्रेश एयर मिलती है। क्या मिलती है हमें पार्क में? फ्रेश एयर मिलती है। मैनी पीपल वो गो देयर टू वॉक, और वहाँ पे कई लोग घूमने के लिए आते हैं। वी शुड कीप योर पार्क्स क्लीन, हमें हमारे पार्क क्लीन रखना चाहिए। वी शुड नॉट हार्म द प्लांट्स ग्रोविंग हेयर, और हमारे जो पार्क के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हमें तोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें हमें ग्रोथ बढ़ते रहने देना चाहिए। देख रहे हैं आप ये पार्क, पार्क में ये बच्चे झूला झूल रही है, ये शीशा कर रही है, ये वॉक कर रहे हैं ना। हाँ, पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन ही इज अ प्लेस वेयर द पुलिस वर्क, द पुलिस मेक योर नेबरहुड सेफ। हमारे पास में क्या पुलिस स्टेशन होना चाहिए। पुलिस स्टेशन में क्या करते, पुलिस वहाँ पे वर्क करती है। और हमारे पड़ोस में क्या होना चाहिए, पुलिस स्टेशन होता है जिससे हमारा पड़ोस सेफ रहता है। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डेंजर्स, और जो कुछ भी डेंजर्स कुछ होता है तो पुलिस हमारी हेल्प करती है। वी गो टू पुलिस स्टेशन व्हेन देयर इन अ रोबरी और वाइकलेंस, और अगर हमारे पड़ोस में चोरी होती है या कुछ दुर्घटना होती है तो पुलिस स्टेशन पुलिस वहाँ आती है। अ पुलिस ऑफिसर लुक्स आफ्टर द पुलिस स्टेशन एंड इज देयर टू हेल्प अस इन टाइम्स ऑफ ट्रेवल, और वहाँ पुलिस स्टेशन को कौन से पुलिस ऑफिसर संभालते हैं, टू कॉल अप द पुलिस फॉर हेल्प वी कैन सिंपली डायल 100, और अगर हमें पुलिस की हेल्प लेनी होती है तो हमें 100 नंबर डायल करना चाहिए। देख रहे हैं आप ये लोग, ये पुलिस स्टेशन है, क्या है ये पुलिस स्टेशन है। तो पुलिस स्टेशन से हमें हेल्प मिलती है, तो अगर कोई चोरी होती है, कोई दुर्घटना होती है या कुछ गलत होता है तो इस पुलिस स्टेशन पुलिस हमारा साथ देती है। और ये पार्क है जहाँ हम घूमने जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, ठीक है। और ये है हमारे मार्केट के, हमारे नेबरहुड के आसपास की दुकानें। ये है ग्रोसरी शॉप है, ये केमिस्ट्रिक शॉप है, ये है स्टेशनरी शॉप, और ये ग्रीन ग्रोसर, और ये मिल्क बूथ। देख रहे हैं आप लोग, हाँ ये आपके आसपास में, आपके पड़ोस में होना चाहिए, ठीक है। अब आपको होमवर्क में आपको ये करना है, मार्केट में जो भी शॉप्स होती है ना, ये सभी शॉप के बारे में शॉप लिखनी है आपको अपनी नोटबुक के अंदर। ये वर्क करना है आपको, ये सभी शॉप लिखनी है ना, ये सभी शॉप के बारे में आपको अपनी नोटबुक के अंदर करना है, ठीक है। ओके, अब बाकी जो लेसन है हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।